क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलिए फिर से रीकैप ले लेते हैं। एक शॉपकीपर है जिसने दो वैरायटी का आइटम्स खरीदा हुआ है, वन दैट इज ए 40 केजी वीट का है ना, उसने जो वीट दो वैरायटी के लिए हुए हैं, क्या है हमारा वीट मेंशन करना चाहिए, ठीक है ना, उसने दो अलग अलग वैरायटी के वीट लिए हुए हैं और दोनों वैरायटीज को मिक्स कर दिया है, ठीक है, इसका रेट दिया हुआ है, इसका भी रेट दिया हुआ है, सो व्हाट दैट पर्सन पेज दैट फॉर दैट इज 500 प्लस 420, सो ये हो गया इसका दैट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 920, इज दैट क्लियर। गुड मॉर्निंग सर, बोर्ड इज नॉट क्लियर, माय गॉड, अब आज कैसे पढ़ाई होगी सर, यू हैवंट सेंड द वीडियो यस्टरडे से, हाँ बेटा कल का वो डाउनलोड कर रहे थे बट हुआ नहीं था, आज सेंड कर देंगे, आप सभी लोग साथ आ सकते हैं जलेबी ग्रहण करने के लिए, ठीक है, आज आपको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, और बोर्ड का क्लियरिटी क्या बताएं आज बोर्ड सर, वीडियो इज ब्लर, फुल नेटवर्क दे रहा है उसके बाद भी, ओह माय गॉड, चलिए ठीक है, ऐसे धीरे धीरे क्लास लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हाँ समटाइम्स थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लो बेटा, ठीक है, नाउ क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन सेज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वीडियो अब देखिएगा वहां पे फिर देखते हैं, सो नाउ व्हाट इज गिवन हियर, एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर, ठीक है, सो दैट ही विल गेन अ 5%, यानी ही वांट्स अ गेन ऑफ 5%, क्या चाहिए, गेन चाहिए 5%, so now gain percent is given to you and CP is given to you, so now we can calculate na what will be the selling price, ab usme question ye pucha hai ki 70 kg ko kis rate pe sell out kiya jaye, theek hai, so that the person will get a maximum matlab 5% gain, so hum kya karte hain, let the selling price, we are going to calculate the selling price for this, theek hai na, selling price at the rate of 5% gain, ठीक है ना, 5% गेन पे अगर हम उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल्स टू कितना होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू दैट इज सीपी, इज दैट क्लियर, क्लियर, सो नाउ यू कैन राइट 105 अपॉन 100 इनटू दैट इज 920, so 5 2s are 10, 5 1s are 5, so 2 is there, 2 4s are 8, 2 6s are 12, so that is equals to how much, 21 into 46, just multiply it, Rahul jaldi se multiply kariye isko, 21 into 46, theek hai, so let's have a multiplication, it should be a 966, so to gain, yes, if he wants to gain that 5%, then the selling price of this kitna hona chahiye, that should be a 966, ab 966 jabki uska selling price humko nikala tha kitna hona chahiye 70x, agar hum x rupees ke rate se bech rahe to that should be equal to 70x, so x is equal to kitna aayega 966 divided by 70, now divide it, you will get the answer, divide kariye, theek hai, kitna aayega, that is 71 jo 70, so divide kar liya isko, so
So that will be equals to 13.8. That will be your 13.8. Then the person must save this 70 kg weight at the rate of 13.80 rupees, so that he must make a gain of 5%. समझ में आया सभी को क्वेश्चन? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपने देखा यहाँ पहले, सबसे पहले हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म पे गए, हमने इसका क्या किया टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लिया. Now we want the 5% gain, then हमारा selling price कितना होना चाहिए, that is 966. अब हमारा total wheat कितना था 70 kg. Suppose करिए कि हम x rupees के rate से sale कर रहे हैं, तो कितना price होना चाहिए 70x. But हमने price कितना निकाला, that is 966. दोनों को equate कराया, solve किया, you will get the value of x. ठीक है? So it is clear to all of you? Any problem to anyone? Money. ठीक है, सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब जिसको भी ना नहीं समझ में आएगा और प्लीज एक बार फिर से जो है ना रिकॉर्डिंग पे देखिएगा. ठीक है, और एग्जाम में भी ट्राई करिएगा कि क्वेश्चन को इसी पैटर्न पे सॉल्व करिए. इसके दो बेनिफिट्स होते हैं, कि एरर्स बहुत कम होते हैं, दूसरा क्या होता है पेज का कंजप्शन बहुत कम होता है, और सारी चीजें आपको एकदम विजुलाइज होती है कि व्हाई वी आर डूइंग सो, ऐसा ही क्यों करना है. ठीक है, इसके बाद 9 बजे आइएगा, वो दिखा देंगे क्या क्या मंगाने का होगा, कुछ और चीजें मंगाते हैं इसका कहीं भी भाई बताएंगे डिस्काउंट देगा. Now question number 22. Now see here question number 22. Washim bought two cricket bats for 840 and 360. अब देखिए यहाँ पे फिर से question. जब भी ऐसे question होने बिल्कुल वैसे solve करना है. ठीक है ना, bat A. Laptop का होना. हाँ. Laptop बात है. हाँ हाँ. यहाँ लगा दो. यही बात. बोलो. Bat A, bat B. ठीक है. वॉशिम ने जो है वो बैट कितने में परचेस किया हुआ है, दैट इज बॉट टू क्रिकेट बैट्स. सो कॉस्ट प्राइस वन बैट कॉस्ट रुपीज दिस मच, अनदर वन दैट विल कॉस्ट रुपीज 360. ठीक है, नाउ ही सेज द फर्स्ट बैट एट अ गेन ऑफ 15%. फर्स्ट बैट में क्या हुआ है, गेन हुआ है, तो गेन कितना है, दैट इज 15%. In second one, what they have, that is a loss, I think. Kanga, yes. Second one he lost, or that is a loss of? Is that clear? Now, find his gain or loss portion in the whole transaction. Ab overall usse kya hua hai? Overall matlab, ab hume compare karna hai, that is total CP, total SP. Total SP compare करने के लिए first of all we have to calculate the SP of first one, SP of second one. आपको दोनों bag से क्या करने हैं, selling price calculate करने. Is that clear? समझ में आ रहा कि नहीं? That is the first bag का cost price is given to you, second bag का cost price दिया हुआ है. First bag में हमको gain हुआ, that is of 15%. Second one we are having a loss of 5%. Now we have to calculate, that is the selling price. क्या calculate करने हैं? Selling price of first bag and selling price of second bag. क्योंकि हमें होल ट्रांजेक्शन में देखना है, तो होल ट्रांजेक्शन मतलब हमने पूरा पैसा कितना दिया, पूरा पैसा कितना आया. ये तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं. लेकिन जब हम ओवरऑल में देखेंगे तो क्या होगा, टोटल कितना पैसा गया है, टोटल कितना पैसा आया हुआ है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी सेलिंग प्राइस ऑफ दिस वन. अगर हमने 15% का गेन लिया तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 100 प्लस 15 अपॉन 100 इनटू 840. यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉस हुआ है तो 100 माइनस 5 अपॉन 100 इनटू दैट इज कितना है 360. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 115 अपॉन 100 इनटू 840. यहाँ पे कितना जाएगा, 95 अपॉन 100 इनटू 360.
चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फाइव तब तक 18 × 19 करिए, ओके। तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 42 × 23, 3 × 6, 3 × 12 = 4, 2 × 8, 6 × 6, 9. We are having again 966. Now 19, 89 = 162. 2 × 16 = 18. That is 340. Yes. So now the selling price of first bat will be, that is 966, क्योंकि उसने ज़्यादा में बेचा तो उसको profit हुआ है। In the second one he loses some amount, so that is 342. तो टोटल सेलिंग प्राइस आप देखिए यहाँ पे कैसे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, 840 प्लस 360, टोटल सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 966 प्लस 340, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू कितना रहेगा, आपको दिस पार्ट विल बी विजिबल, यस, सो दैट इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 1200 6 2 8 6 4 10, still making. Now selling price is more, now selling price is more, so obviously percent ko kya hua, overall mein bhi usko profit hua, so gain percent, अच्छा gain percent निकाल लेते हैं, तो gain कितना, 1300 - 1200, 38 - 1200 अपॉन सीपी, यानी कि 1200 × 100, यानी परसेंट 100 रुपये कैंसिल हो गया, दिस विल बी योर 3108 अपॉन 12%, दैट इज इक्वल्स टू 9%, ओवरऑल ही इज हैविंग 9% गेन, इज दैट क्लियर। So this is the way of solving a such type of question. ऐसे solve करना है आपको tabular form. Any problem to anyone? Now. Move on the next question. Again, we are having the same type of question. Hema bought 2 pair of jeans for rupees 1450 each. चलिए देखते हैं कहाँ क्या डस्टर 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 है। Okay, so do it. जल्दी से, हमने आपको टाइम दिया, जल्दी से करके दिखाइए, लेट मी सी हु विल डू मोर फास्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, आप अपने से ट्राई करिए जल्दी से।
those who are able they can do it, जो नहीं है वो उसको ध्यान से देखते रहिए and just match it, ठीक है. So Hema bought two pair of jeans for each 1450, यानी दोनों ही jeans का जो है वो weight एक है. She sold one of them at a gain of 8% and another one at a loss of this one. So in first one we are having a gain, ठीक है, gain percent that is 8%. In another one we are having a loss that is of 4%. Is that clear? Now what he asked that is find his gain or loss percent in whole transaction. Same question है. We have to calculate SP A and SP B. अब हमें इसके बाद क्या करना है? Total CP, total SP, then जो भी होगा देखेंगे. So let first of all we have to calculate the selling price. Gain है, so 100 plus 8 upon 100 into 4050. So now we are having our two that is our selling prices. So your total CP 1450 plus 1450 that is equal to how much? 0 5 5 10 0 1 carry number 9. Now we have 166 plus 1412. हमने कैलकुलेशन की गलत कर लिया क्या? Again, the person is having a profit. So, profit percent 2958 minus 2900 divided by 2900 into 20 cut gaya. So that is 58.29%. Or we can say that 2%. Yes. Thank
क्लियर। What is this 27053? Now the next one, a grocer purchased 200 kg rice. अब देखिए ये same question है जैसे हमने question number 21 किया था, 21 के जैसा ही है, तो हम लोग इसको भी वैसे ही करेंगे। So what is given in question 24? A grocer purchased 200 kg of rice. yes, of rice at rupees 25 per kg. देखिए अब यहाँ पर क्या थोड़ा सा difference है। Total rice 200 kg. रेट 25, कॉस्ट 5000 रुपीज, इज दैट क्लियर। अब क्या कह रहा है कि नाउ ही डिवाइडेड दिस अमाउंट, अब इसने क्या किया 200 केजी को अलग अलग रेट पे कर दिया, ए बी एंड सी, वी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। He sold the first 80 kg, ठीक है, he sold 80 kg at a gain of 10%. So quantity 80 kg, gain 10%, ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, then and 40 kg at a loss of 4%. Now next 40 kg is sold at a loss of 4%. Next, at what rate per kg should he sold the remainder to gain a 8% of his total investment? Total gain percent kitna chahiye? 8%. Theek hai bachcha, kitna 80 40, that is 80 kg is left. अब कह रहा है कि 80 केजी को हम कैसे बेचें कि हमको जो है ओवरऑल भी 8% का प्रॉफिट होना चाहिए। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। पहले हम तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं ना, व्हाट इज गिवन टू योर क्वेश्चन, दिया क्या है, एंड देन ओनली इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करना कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पर्सन है जिसने 200 केजी राइस को परचेस किया, 200 केजी राइस परचेस करने के बाद उसने क्या किया, किस रेट पे परचेस किया, 25 रुपीस पर केजी से परचेस किया, देन ही मस्ट पे 5000 रुपीस, ने 5000 रुपीस पे किया उस 200 केजी को लाने के लिए। अब ले आए, लाने के बाद नाउ ही इज रेडी टू सोल्ड इट, अब वो जब सेल आउट कर रहा है देन ही हैव टू सेल, है ना, 80 केजी को उसने प्रॉफिट में बेचा, 40 केजी को थोड़ा लॉस से बेचा, होता है ना कि शॉपकीपर है तो अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, कुछ न्यूली है तो उनसे प्रॉफिट ले लिया, कोई अपने होते तो उनसे लॉस भी ले लिया, बट ओवरऑल वी नीड ना प्रॉफिट चाहिए हमें, ठीक है। तो इफ वी वांट द ओवरऑल प्रॉफिट देन व्हाट वी हैव टू डू नाउ, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन। अब आपका क्वेश्चन ये है कि वो रेस्ट 80 केजी को कैसे करेगा, सो दैट अब देखिए यही से सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर उसे यस Who is fighting my dear? Aryan. It is 25, 2 are 50 and 0, 0. So it will be a 5000. Okay. So if you want the gain,
तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? सेलिंग प्राइस मस्ट बी इक्वल्स टू 100 प्लस 8 अपॉन 100 इनटू दैट विल बी अ 5 सो 108 अपॉन 100 इनटू 5000। खुशी का गुड मॉर्निंग अभी हो रहा है, अभी ज्वाइन कर रही है क्लास। फिर सो अगर अब शॉपकीपर को 8% का प्रॉफिट चाहिए सो ही इन्वेस्टेड 5000 सो ही मस्ट गेन 5400। अगर वो अपना पूरा टोटल सेलिंग 5400 रुपीस का कर देगा तो ऑब्वियसली ही विल गेन अ 8%, ठीक है ना, उसको 8% का गेन मिल जाएगा। यानी क्या करना है, दैट ही मस्ट अर्न दिस मच ऑफ अमाउंट, उसको इतना अमाउंट अर्न करना है। अब चलिए देखते हैं उसने अर्निंग किसने की, कितनी कितनी की, अब सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ का हम लोग क्या करेंगे, सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना, 80 kg 25 के रेट से, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कितना हो जाएगा आपका,2200। यानी फर्स्ट 80 केजी में उसने अर्न कर लिए कितने, 2200 रुपीस। नेक्स्ट 40 केजी में उसकी अर्निंग कितनी थी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 40 केजी में उसकी अर्निंग कितनी है। तो पहले तो यहाँ पे सीपी कितना जाएगा, 25 × 40 दैट इज इक्वल टू 1000 रुपीस। एसपी कितना हो जाएगा, सो दैट इज 100 माइनस, लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, 100 × 1000 That is equals to 96, ठीक है ना, upon 100 × 1000, so these zeros are cancelled out, 960 rupees. So from here he earned only 960 rupees. So total यहाँ पे कितना हो गया, इन दोनों को add कर लीजिए, total कितना हो गया, ठीक है, so that is equals to 5400, ठीक है। सो आउट ऑफ 5400 3160 इज ऑलरेडी अर्न बाय दैट शॉपकीपर। सो रेस्ट अमाउंट ही मस्ट अर्न फ्रॉम, यहां का सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, यहां का सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, दैट लेफ्ट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट। सो दिस सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल्स टू 5400 माइनस 3160। ओह माय गॉड, इतना अविनाश शोर सा आ गया सर, ये आई यस, सभी हम सॉल्व हो जाने दीजिए, एक बार फिर से रिपीट करेंगे ना, जस्ट वेट अ वीडियो, अब क्या बताएं। अब बताइए आपकी पोजीशन सेट कर लो। नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए अंडरस्टैंड फिर से करते हैं, यहाँ पे हाँ पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 0 10 - 6 = 4, then we are having your 3 3 - 1 = 2, then 5 - 3 = 6, again
अच्छे बस क्लास का पानी का तो ध्यान देने की है ना। सर देखिए मुझे वहाँ प्रॉब्लम नहीं थी ना मुझे उनसे प्रॉब्लम सुनाओ सी हियर वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ना find out the find her gain or loss quotient in the earning ye kahan tha yes at what rate per kg should he sold the remainder to gain 8% ha chalti ab yahan par hum pahunche hain agar usko profit itna chahiye tha to now he has to earn 2240 from the remaining that is 80 kg so now we have to divide this one so selling price for 1 kg that is equals to 2240 divided by 80 So he must sell the remaining part at a rate of 28 rupees per kg. ठीक है? अभी यहाँ पे आके अब एक बार फिर से इस पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक शॉपकीपर है जिसने 200 kg राइस परचेस किया। किस रेट से परचेस किया? 25 रुपीज के रेट से परचेस किया। अगर उसने 25 के रेट से 200 kg परचेस किया है तो उसने कितना पे किया होगा? 5000 रुपीज उसने खर्च किया इतना राइस लाने के लिए। अब उसका टारगेट था कि मुझे 8% प्रॉफिट चाहिए। अगर उसको 8% प्रॉफिट चाहिए तो वो कितना कमाना चाहिए? 5400 यानी उसको 400 रुपीस एक्स्ट्रा कमाने हैं। इसका डिसीजन है पहले से ही कि मुझे इतना पैसा पहले कमाना। लेकिन होता है ना शॉपकीपर है तो अलग अलग टाइप के लोग आते हैं तो हमें अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। तो उसने क्या किया कि फर्स्ट जो 80 केजी था उसने 80 केजी में क्या किया 10% का प्रॉफिट ले लिया। If he gain 10% तो इसका मतलब वहां पर उसने कितनी अर्निंग की 2200 रुपीज अर्न किए। ठीक है कितना अर्न किया 2200 ठीक है यानी 5400 में से इतना पैसा उसने यहाँ पे कमा लिया। ठीक है अब यहाँ पे 40 केजी में क्या किया उसने 40 केजी और सेल किया बट उसमें क्या किया उसको लॉस हुआ। लॉस हुआ कितने में बेचा 960 रुपीज में तो यानी अब इन दोनों को एड कर लिया तो यानी 3160 तो आउट ऑफ 5400 हमने क्या किया 3160 पैसे अब हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन अभी और कितना पैसा चाहिए हमें तो हमने क्या किया इन दोनों को माइनस करेंगे 2240 यानी 2240 रुपीस हमें आना चाहिए। देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट अ गेन ऑफ 8% गेन लाने के लिए हमें इतना पैसा लाना ही पड़ेगा। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा रिमेनिंग 80 केजी को कैसे बेचना पड़ेगा इतने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो इतने रुपीज अगर 80 केजी को इतने में बेच रहे हैं तो 1 केजी कितने बेचेंगे तो 2240 डिवाइड बाई 80 एंड दैट विल बी इक्वल टू 28 रुपीज पर केजी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज तिवारी मार्केटिंग नहीं किया ना कभी इसीलिए क्रिश तिवारी को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना क्रिश तिवारी मार्केट में जाइए आप अपने आप से एक डिसीजन करिए आज आप जाइएगा 10 चॉकलेट्स खरीद के लाइए और 10 चॉकलेट्स में आप डिसाइड कर लीजिएगा कि सपोज दैट वी हैव परचेस 100 रुपीस का एक चॉकलेट देन यू हैव टू ऑब्वियसली पे 1000 रुपीस। आपने उसके लिए क्या किया होगा? हाँ फिर उसको लाकर प्रखर को दे देना तो 1000 रुपीस ना सी हियर। अब हम जो है इसको बंद कर रहे हैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे हैं फिर आपसे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है